पंजाब दे विच नहीं रुक रहा ट्रैवल एजेंटा की ठगी का मामला। 300 के करीब नौजवानों के नाल बाहर भेजण के नाम से मारी गई करोड़ों रुपए की ठगी। सत श्री अकाल टीवी एन आर आई देख रहे हो, तो मैं अंजलि दस कि लगातार पंजाब दे विच ट्रैवल एजेंटा की ठगी का नौजवान पीढ़ी जिहड़ी है शिकार होंदी हुई नज़र आई है। तो बाहर जाण दे चक्कर दे विच कई बार गलत एजेंटा के हाथ दे विच ये नौजवान जिहड़े ने वह फस जाते हैं। तो अजिहा ही ताज़ा मामला सामने आया जलंधर के एक इलाके तो जिथे कि एक ट्रैवल एजेंट के द्वारा अपने कुछ होर साथियों के नाल मिल के 300 के करीब बेरोजगार नौजवानों बाहर भेजण के चक्कर के करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। दसिया जाता है कि 300 के करीब बेरोजगार नौजवानों जोड़ा है बाहर भेजण के लिए उन्होंने को करोड़ों रुपए ठग के ये जो ट्रैवल एजेंट है हूँ फरार दसिया जा रहा है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस जी है वो एक्शन दे विच आई हुई है। दसिया जा रहा है कि ये ट्रैवल एजेंट अपने दफ्तर नूं जिंदरा लगा के पासपोर्ट लैके इन्हां नौजवानों के इत्थों रफू चक्कर हो चुके हैं। दफ्तर के बाहर लगातार जिहड़ा है वो इत्थे नौजवान जिहड़े ने वो पहुँच रहे हैं क्योंकि दफ्तर के बाहर लग्या साइन बोर्ड भी हुण गायब दसिया जा रहा है। हुण इस मामले के विच डीसी कुलवंत सिंह के द्वारा जिहड़ी है शिकायत मिलण तो बाद ट्रैवल एजेंटा का लाइसेंस भी रद्द किए जा रहे हैं और नाल दी नाल पुलिस केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। नौजवानों नूं भी अपील की जा रही है कि इस संबंधी पहला चंगी तरह ट्रैवल एजेंटा की जिहड़ी है जांच पड़ताल की जाए, फिर ही उन्होंने कोल किसी भी तरह का पैसा या दस्तावेज जिहड़े ने वो दिते जाण। दस्सदे कि जिला पुलिस मुखी के द्वारा ठगी का शिकार हुए करीब 80 के करीब नौजवानों नू पेश होकर अपनी जिहड़ी है हड्डबीती इन्हों नौजवानों के द्वारा सुनाई गई है। नाल दी नाल मामले की गंभीरता नू देखदिया होया मुढली पड़ताल जिहड़ी है वह भी शुरू कर दी गई है। ट्रैवल एजेंटा के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। दस्सदे कि इस मामले के विच कंडोला खुरद जिला जलंधर के माही शर्मा और राहुल वासी मोगा खिलाफ एक केस जिहड़ा वह दर्ज किया गया, जांच पड़ताल की जा रही है। इस तो इलावा जिहड़ा है दस्सिया जाता है कि मुलजम जिहड़े ने इत्थे एक वीजा सिटी ऑफिस नाम के दफ्तर भी चला रहे सन। मुलजमान के वलों बेरोजगार नौजवानों को अरब या फिर यूरोप देशों के विच नौकरी का लारा लगा के ठगी मारी गई है। 2 करोड़ रुपए के करीब जिहड़ी है राशि दसी जाती है जो कि इन्हां 300 के करीब नौजवानों तो ठगे गए हैं। पीड़ितों का कहना कि वधिया भविख की भाल के मेहनत कमाई करन दे लई रिश्तेदारां दे कोलों पैसे मंग के उन्हां दे वलों इन्हां ट्रैवल एजेंटां नूं दित्ते गए सन, पर हुण इन्हां ट्रैवल एजेंटां दे द्वारा जिहड़ी आ उन्हां दे नाल ठगी मारी गई है। जदों उह दफ्तर पहुंचे ने तां उन्हां दा फोन बंद आ रहा है, दफ्तर के बाहर लगे साइन बोर्ड जिहड़े ने वह भी गायब दसे जा रहे हैं, दफ्तर के ताले लगे हुए हैं। फिलहाल FIR के मुताबिक मुलजमान के उत्ते नकली वीजा लगाने के दोष लगे ने। स्थानक निजी हस्पतालों के डॉक्टरों के द्वारा भी कार्रवाई दसी जाती है कि उन्होंने द्वारा भी 5200 रुपए के करीब जोड़े पैसे वसूले गए सन और इस मामले के हूँ ट्रैवल एजेंटा के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और कई सिर्फ जलंधर के ही नहीं मोगा का भी एक ट्रैवल एजेंट दसिया जाता है, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाती है। तो हूँ देखना होगा कि इन्हों ट्रैवल एजेंटा की कदों गिरफ्तारी होंगी है, इन्हों के द्वारा जो करोड़ों रुपए की ठगी मारी गई है उसकी वसूली कदों होंगी है। तो नौजवान पीढ़ी जी लगातार बाहर जाने का सुपना देख रही है, जिस तरह इन्हों गलत ट्रैवल एजेंटा के हत्थे चढ़ जाती है उस तो कदों उन्होंने सबक सिखाउण नूं मिलता और नाल दी नाल जिहड़ा है बाहर जाण दा जिहड़ा उन्हों दा सुपना है वह सही ढंग तरीके दे नाल पूरा करन दे लई सही रस्ता किवें चूज़ किया जा सकता उन्होंने वालों, इस गल ते भी गौर देने की जरूरत है।